नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी जिला के कैरू में शनिवार को हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में अगले 3 सालों के दौरान 6 क्रम में छोटे साइज की सभी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। लगभग 3000 किलोमीटर की सड़कें बनकर तैयार होगी, जिसमें प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव को न केवल आपस में जोड़ेंगे बल्कि गांव और शहरों के बीच में इन सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री ने भिवानी जिला के गांव कैरू में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि हरियाणा प्रदेश में अगले 1 वर्ष के दौरान 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अगले 1 वर्ष में हरियाणा प्रदेश में 24 घंटा बिजली देने वाला देश का ये पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान में कहा कि हरियाणा प्रदेश में गरीबी रेखा की सीमा को बढ़ा करके 1,20,000 रुपये से बढ़ाया गया है और अब 1,80,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 13 लाख परिवार ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं, जिन्हें 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से यह भी वायदा किया है कि 30 जून 2022 तक हरियाणा प्रदेश की हर घर की रसोई में नल से पानी आएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर विधायक से उनके हलके में विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बनाकर के मुख्यमंत्री को सौंपने का आह्वान किया। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। वैसे तो हमारे कृषि मंत्री जी ने बता दिया कि अभी जो नुकसान हुआ है हमने कह दिया उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे और किसी को भी उसका नुकसान नहीं होने देंगे। जिन्होंने तो बीमा करा रखा है बीमा कंपनियों से मिलेगा, जिन्होंने बीमा नहीं करा रखा है उनको सरकार मुआवजा देगी। पहले परेशानी आपको नहीं आएगी। अब क्योंकि कुछ मांगे हमारे सभी यहाँ के विधानसभा के लोगों ने दी हुई है, उसके अंदर जैसा मैंने बताया पहली तो पीडब्ल्यूडी की सड़कें कुल मिलाकर अभी 32 सड़कें चारों विधानसभाओं की 32 दी है। मैंने तो सारी खोल दिए कि सारे दे दें, लेकिन ये 32 की 32 77 करोड़ की है, ये सारी की सारी मंजूर की जाती है। इसी प्रकार मार्केटिंग बोर्ड की 5 सड़कें 16.5 करोड़ रुपए की, ये तो मंजूर करते ही है, और भी जो हो उसकी लिस्ट बना करके आप लोग दे दें। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ की कुछ योजनाएं हैं, पानी की है खास करके, उस पानी की योजनाओं में कहीं तो सीवरेज की पाइपलाइन की बिछाने की बात है। लोहारू शहर में पीने का पानी, इसका जो बहुत समय से कठिनाई है, तो एक नया जलघर बनाने की बात और पानी पीने की, इस पर 38.5 करोड़ रुपए का एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसको मंजूर किया जाता है। भिवानी शहर में भी जो पानी की लाइनें बहुत पुरानी हो गई है, 11.5 करोड़ रुपए उसकी भी लागत मंजूर की जाती है। ऐसे ही नए जलघर चाहे वो ओबरा में हो, नूनसर में हो, या बूस्टिंग स्टेशन थानक नियर कन्या स्कूल हो, लोहारू शिवाणी में सीवरेज की व्यवस्था, कुंगड़ में जलघर, प्रेमनगर में जलघर, वाणीखेड़ा में वाटर सप्लाई की लाइन बदलना, गारनपुरा माइनर छपार रंगडन वाटर बॉक्स पाइपलाइन, हरियावास में बूस्टिंग स्टेशन, सुरपुरा में बूस्टिंग स्टेशन, डाणी केरा में बूस्टिंग निर्माण, कासनी खुर्द में बूस्टिंग, मिलकपुर में बूस्टर, दुर्जनपुर माइनर से मिलकपुर जलघर तक पाइपलाइन, चौधरी बंसलाल पार्क भिवानी में बूस्टिंग स्टेशन, ऐसे जितने भी ये काम बताए गए हैं इन सब को मंजूर किया जाता है। मंडी की बात आई, शिवानी में नई अनाज मंडी बनवाई जा रहा है, क्योंकि अभी 6 एकड़ के अंदर वहां मंडी है, छोटी मंडी है, लेकिन वहां जमीन हमको चाहिए और जमीन जो है हमने आजकल एक नया खरीद का सिस्टम बनाया सरकार का, अब एक्वायर नहीं करेंगे, लेकिन जो वहां का कलेक्ट्रेट है उस कलेक्ट्रेट से थोड़ा बहुत ज्यादा करके, और अगर वो जमीन को इकट्ठी वहां 45 से 50 एकड़ अगर बेच के मंडी को दे देते हैं तो वहां 20 करोड़ रुपए लगा करके नई मंडी बना दी जाएगी। इसी प्रकार लोहारू में भी 6.5 एकड़ की मंडी है, वहां भी जमीन अगर उपलब्ध होती है तो वहां भी एक नई मंडी बनवाई जाएगी।
और वहां लोहारू में सब्जी मंडी के भी 5 करोड़ रुपया ये भी मंजूर किए गए हैं। इसी प्रकार इरिगेशन में लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी रीमॉडलिंग 9 करोड़ रुपया, कासड़ी सब माइनर ये भी लोहारू का है इस पर भी 1.5 करोड़ रुपया, और भिवानी में वडाला रसांगा माइनर इसका भी मोरी उसकी मरम्मत करनी है उसका 1.5 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर ये 12 करोड़ रुपए ये भी मंजूर किए जाते हैं। कुछ स्कूल लिखे हैं, स्कूल है बापोड़ा 12वीं स्कूल का बिल्डिंग, फिर भिवानी के स्कूल को अपग्रेड करना, धारूड़ा धारेड़ू गार्डनपुर फिर रूपाणा या मिडिल स्कूल इसको अपग्रेड करना, तो शाम बनगढ़ स्कूल अपग्रेडेशन 10.2 करना, ये सब के सब ये भी मंजूर किए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए साहब कि जो ये तहसील सब डिवीजन और जितने भी ब्लॉक बनाने की बात है इसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है जो हर साल बनती है, पिछले साल भी बनाई थी, रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी हमने बनाई है, सारी डिमांड उनको दे दी है, वो सब उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि एरिया देखना पड़ता है कौन कौन से गांव लगेंगे उसमें वहां पर जरूरत भी है कि नहीं है, क्योंकि जो जरूरत चीजें वो सारी कराई जाएंगी, लेकिन पिछली सरकारों के समय पर कई बार बहुत छोटी छोटी तहसीलें छोटे छोटे सब डिविजन ऐसे बना दिए नेताओं को खुश करने के लिए। हमें नेताओं को खुश नहीं करना, जनता को खुश करना है, जनता की जहां जरूरत हो उसको करना है।